ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसिज तो लैके आया एप्लीकेशन डे। तुहाडे सुपनियां नूं देवांगे हकीकत दी उड़ान। तुसीं जाना चाहुंदे हो ऑस्ट्रेलिया या यूके, जाना चाहुंदे हो परिवार दे नाल, ऑप्शनस लभदे हो विदाउट आईलैट्स, सारा कुछ मिलेगा ब्रॉडवे दे एप्लीकेशन डे ते, जिथे आके तुसीं अपने केसिस नूं रजिस्टर कर सकोगे। तीन वड्डे बेनीफिट असीं देवांगे अगर तुसीं आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनिवर्सिटी आपां नूं मिल सकती है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसीं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहुंदे हो चाहे यूके, परिवार दे नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो, मतलब पैसे लवांगे जिदन तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावांगे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जदों भी कोई एप्लीकेशन लैंदी है तां साडी एक प्रोसैसिंग फीस है, बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे दे दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तां जीरो कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आउंदा। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90-238-90-238 और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचिस च मिलोंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके खास इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते रहे। सो सितंबर बहुत सारे बच्चे टारगेट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, बट इसके बीच में कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। अगर वो चीज़ों का आप फुलफ़िल करते हैं तो अपनी एप्लीकेशन को आगे चलाएं, नहीं तो अपनी एप्लीकेशन को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसमें इम्प्रूवमेंट करें एंड देन उसको प्रोसीड करें। सो कौन कौन सी कमियाँ आपके केस में नहीं होनी चाहिए अगर आप सितंबर इनटेक की फाइल लगाने जा रहे हैं या अपनी एप्लीकेशन को ऑफर लेटर या किसी भी चीज के लिए प्रोसेस करने जा रहे हैं फॉर कैनेडा पर्टिकुलरली। सो सबसे पहले चाहूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन, नई नई कॉन्टैक्ट, नई नई एडवाइजिंग इन्फॉर्मेशन आपको देने का। सो इसके साथ साथ हमारा आज का इवेंट करनाल है। सो इसके बाद हम कैनेडा को लेके पर्टिकुलर एक मूवमेंट चलाएंगे जिसमें आपको सबको मिलेंगे और कनेक्टेड रहें चैनल के साथ। सो सितंबर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चे सितंबर इनटेक को टारगेट कर गए तो करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले 10-15 दिन से जो हमारे एप्लीकेशन डे चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों से मिला, बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स भी देखी, तो बहुत सारे वीज़ा वाले दोस्त भी मिले। तो अब इसके बीच में जो सिनारियो प्रेजेंटली चल रहा है उसके अंदर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। यू कैनेडा के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि वहाँ पर प्लस टू के जो प्लस टू वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले उनसे शुरुआत करता हूँ कि वहाँ पर प्लस टू के मार्क्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चल रहा। तो अगर आपके D1 D2 हैं तो भाई ये आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आपके प्लस टू की ग्रेडिंग में D1 D2 मार्किंग है तो ये आपके लिए रिफ्यूज़ल का एक बड़ा रीज़न बन सकती है जिसको शायद आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकेंगे बिना ग्रेजुएशन किए। सो ये चीज़ पहले चेक कर लें अपने प्रोफाइल के अंदर एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें। ट्राई टू अवॉइड दैट सब्जेक्ट जिसमें D1 D2 है, उससे रिलेटेड कोई स्टडी ना लें, बाकी सब्जेक्ट में से कुछ भी उठाएं और उसके रिलेटेड अपनी स्टडी को आगे कनेक्ट करके अपने केस को प्रेजेंट करें। सेकेंडली, जिन बच्चों के परसेंटेज हैं वो 60 अबव हों तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, उसी में ज़्यादा चांसेस ऑफ वीज़ा रहेंगे। जो वीज़ाज़ प्रेजेंटली आ रहे हैं वो सारे ऑलमोस्ट SDS केसेस पे आ रहे हैं, मतलब IELTS 6 ईच पे ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर PT 58 ओवरऑल और ईच के साथ फाइल लगाई भी जाती है तो इट इज़ नॉट अ गारंटेड रिजल्ट, ऑल दो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, लेकिन उसकी परसेंटेज निकाल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 10 केस SDS के वीज़ा लेके आ रहे हैं तो बीच में से 2 PT वाले दिखते हैं जिनका हायर स्कोर है। मोस्टली बच्चों ने कम PT के साथ अपनी फाइल्स लगाई हैं विच आर गेटिंग रिजेक्टेड। सो PT अगर आपका 58 ईच से कम है या ओवरऑल से कम है तो डू नॉट गो फॉर इट। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको फंड्स ज़रूर दिखा के चलें, डू नॉट अंडरमाइन दैट, उस पर बिल्कुल भी गलती ना करें। फंड्स ज़रूर दिखाएं इक्वल टू सेकेंड ईयर फी एंड प्लस योर ए फैमिली इनकम, वो 10 लाख के आसपास ज़रूर हो। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए आपके केस में से। फोर्थली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कोर्स का प्रोग्रेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे केसेस में मैं ऐसे मिल रहा हूँ जहाँ पर बच्चों ने अपनी प्लस टू 19 में की, 18 में की और एजेंट ने आगे 2 साल का डिप्लोमा लगा दिया कंप्यूटर का, फिर वो 2 साल के डिप्लोमे के बाद फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा करने जा रहा है। देर इज़ नो प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ढूंढना है। रेलेवेंसी एक चीज़ है, वो चाहिए, प्रोग्रेशन चाहिए। मतलब अगर आप प्लस टू हैं तो डिप्लोमा करें, ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर हैं तो ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन की हुई है तो PG डिप्लोमा करें, PG डिप्लोमा या मास्टर्स ऑलरेडी की है तो फिर भाई पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब मास्टर से कम कुछ भी अडॉप्ट ना करें अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है जी। सो प्रोग्रेशन अपनी सीढ़ी जो है प्रोफाइल की ऊपर को जानी चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो आप अपना सक्सेस रेट ज़रूर ले सकेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट अपने प्रोफाइल्स को इन चीज़ों को लेके हो तो ब्रॉडवे की टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर दूर से हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अप्लाई नाउ का हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके, जहां से आप डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट पैनल से बात कर सकेंगे। थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो लैके आया एप्लीकेशन डे। तुहाडे सुपनियां नूं दवांगे हकीकत दी उड़ान। तुसी जाना चाहुंदे हो ऑस्ट्रेलिया या यूके, जाना चाहुंदे हो परिवार दे नाल, ऑप्शनस लभदे हो विदाउट आईलैट्स, सारा कुछ मिलेगा ब्रॉडवे दे एप्लीकेशन डे ते, जिथे आके तुसी अपने केसिस नूं रजिस्टर कर सकोगे। तीन वड्डे बेनीफिट असी दवांगे अगर तुसी आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो चाहे यूके, परिवार के नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो, मतलब पैसे लवेंगे जिदन तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जो भी कोई एप्लीकेशन लेती है तो साड़ी एक प्रोसैसिंग फीस है, बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे दे दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तो जीरो कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आता। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90238 90238, और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचिस च मिलोंगे। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाने के सुपने नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।